Fucking Indian man! Why are you fucking Indian man? जी यार गुड मॉर्निंग। तो हमारा प्लान तो था कि निकल जाएंगे स्वीडन से कल, लेकिन हम निकल नहीं पाए। गोथेनबर्ग से निकले थोड़ी देर, एक घंटा। कल हमने पाजी को छोड़ दिया वहाँ पे, विक्की पाजी को। कल हमने पहले अपनी गैस वाली प्रॉब्लम सॉल्व करी, गैस वाला वो फिट हो गया सब कुछ, ड्रोन ले लिया नया। तो रात में हम चले तो थे गोथेनबर्ग से, ये सोचे कि पहुँच जाएंगे आज नॉर्वे, एंटर कर जाएंगे। और तो नहीं पहुँचेंगे लेकिन नॉर्वे एंटर कर जाएंगे। लेकिन फिर थोड़ी देर चलने के बाद हमें लगा कि नहीं, ये जगह अच्छी मिली हमें, ये फ्री पार्किंग स्पॉट है और वहाँ पे टॉयलेट्स हैं वो भी ठीक ठाक हैं, सब कुछ फ्री है यहाँ पे। तो इसलिए हमने फिर प्लान किया कि यहीं रुक जाते हैं। तो अभी सुबह हो गई है और टाइम हो चुका है पुशअप्स का। चलो मैंने थोड़ी रूटीन बनाई है कि रोज़ करने, मेरी ना यहाँ पे यूरोप आती, मतलब पहले ही करता था मैं पुशअप्स 100 रोज़ के, लेकिन थोड़ी रूटीन ख़राब हो गई थी यूरोप आते ही, फिर वो पार्टी वार्टी वो सारा रूटीन ख़राब हो गई। तो मैंने कहा था कि नॉर्वे ट्रिप में हर रोज़ क्या करेंगे, 3 दिन हो चुके हैं रोज़ कर रहा हूँ मैं, आज फोर्थ डे है। तो सो कोशिश करेंगे पूरी नॉर्वे ट्रिप में रूटीन मेंटेन करने की, और हाँ देखते हैं, लेट्स सी हाउ द डे गोस। तो मैंने शायद आपको अपना ये वाला बेड नहीं दिखाया था पहले, जो ये देखिए कितना रंग बिरंगा। अभी पाजी सो रहे हैं यहाँ पे हमारे, एक बंदा तो कम हो गया है, तो पाजी अकेले यहाँ पे अपना अलोन मी टाइम बिताते हैं। और ये मतलब ऐसे इसकी चारों तरफ से लाइनिंग है और इधर कर्टन भी हो जाता है, तो पाजी को पूरी प्राइवेसी मिलती है ना? Yes. तो आज हम सोच रहे हैं कि यार थोड़ा सफाई करते हैं, बहुत ही गंद डाल रखा है हमने। तो ये देखो, ये जो बेड था ये ऊपर हो गया, कुर्सियाँ हमें ऐसे ये घूम जाती हैं पूरी, ये कुर्सी सेट होगी हमारी, फिर हम ये शील्ड सी उतारेंगे और फिर हम कहाँ जाएंगे नाश्ता करने। जहीर तो बंदे का पुत्र बन गया। तो थोड़ी बहुत सफाई करी गई है अभी हमने, ये देखिए मतलब ये बड़ा सही चीज है इसमें कि हाँ जी हाँ जी लाने पोचा भी, मतलब ये खिड़ मतलब वो कपड़ा कपड़े रखने की अलमारियां हैं, थोड़ी बहुत जगह जगह पे थोड़ी बहुत स्टोरेज, जैसे ये है मतलब इतना कुछ नहीं है इसमें लेकिन फिर भी थोड़ी सी स्टोरेज है। एंड ये देखिए बड़ी सी चीज लगी मेरे को यहाँ पे जूते रखने के लिए, ये जूते रखने के लिए जगह, लेकिन हम 3 लोग हैं तो सब रख सकते जूते यहाँ पे। एनीवे अभी बात चल रही है भाई, हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए क्या सीन है कि हमारे पास पूरा कैंपिंग गियर तो वैसे है, कुर्सियाँ टेबल सब कुछ, ये भी है बैडमिंटन रैकेट फुटबॉल सब सामान रखा है हमने, ठीक है। और यहाँ पे लग गया हमारा चूल्हा, बन रही है चाय, बनेगा नाश्ता। और इन द मीनवाइल लवली पाजी बोतल भर के ले आए, क्यों? क्योंकि हमें शीशा साफ करना है, क्योंकि आगे आने वाले हैं बड़े अच्छे अच्छे नज़ारे। यस, और अंदर से वीडियो बनती नहीं है फिर ढंग से, तो मेहनत करनी पड़ती है। और ये हमारा स्पेशल न्यूट्रिशन से भरा हुआ नाश्ता जो बनाते साबी पाजी का सिग्नेचर। अब ये स्पेन तो ले गए सारा सामान, तो ही ना पांडा दे। तो ये क्या डाला है आपने अभी? ये आपने मूसली डाल दिया है और आपने ओट्स डाल दिए हैं। ये ना 2000 मीटर की ऊंचाई पे पौधे होते हैं, चांदनी रात में उनको प्लक किया जाता है ब्लू ग्लव्स डाल के, उसके बाद उनको 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है 2 महीने। ओके ओके, फिर बनता है ये? फिर बनता है। साफ नहीं आ जाता, चंगी तरह करो इनू। ओके बॉस। ये सब भी इतना टाइम यार। सॉरी भाजी। भाजी ये जो राती हुई लम्बे ना पाई
तो आज हमारी मतलब सही से वैन लाइफ आज शुरू हुई है। आज लग रहा है कि हाँ मतलब कर रहे हैं वैन लाइफ। तो नाश्ता हो गया, अभी बर्तन धोने की जिम्मेदारी मेरी है। तो यार ऐसे ही होता है काम, जैसे हमने पिछली अभी ट्रिप में करा था वो जो ओवरलैंडिंग वाली, सब मिल बांट के करते हैं काम। कुछ लोग नहीं करते फिर वो इरिटेटिंग लगते हैं। तो इसलिए जब भी आप ऐसे जाएं लंबी ट्रिप्स पे तो ऐसे लोग के साथ जाएं जो आपको हाथ बटाएं। सही तरह तो सही तरह चमकने चाहिए। तो कल भी जो पांडे धोते थे सही नहीं धोते। आया सी इंडिया चट गया बेस्ट फ्यूचर ले ते पांडे तो होंगे। इसलिए मतलब काफी देर से कर रहे थे हम इसको पोस्टपोन की करेंगे प्लान आ रुक जो एक मिनट दसदा। तो हमने फिर कुछ लोकेशन ढूंढी थी रात को बैठ के मैप पे करी, और फिर हमने ये गार्मिन की अलग से ऐप आती है उसमें हमने मैप सेव कर लिया है नॉर्वे का पंगा। तो अभी प्लान ये कि यहाँ से जाके और फिर वापस आएंगे हम फिनलैंड में। तो आज काफी स्लो मॉर्निंग रही है हमारी, आराम से हम खा पी के 1 बजे चले हैं। और अभी 250 किलोमीटर पड़ा है ओस्लो, तो मेरे ख्याल से 2 घंटे में तो ओस्लो ही पहुँचेंगे। तो नॉर्वे एंटर करेंगे, मतलब ओस्लो आ जाएगा नॉर्वे एंटर करते ही, और फिर हम वहाँ से हो लेंगे वेस्ट को। पूरा हमने वो मैप कर लिया है तैयार, लेकिन अभी देखते हैं आज कहाँ पहुँचते हैं। तो यार करते करते पहुंच ही गए हम अभी नॉर्वे, ये एंटर कर रहे हैं। और यहाँ पे एक फिर से टोल है, मेरे ख्याल से ये कम होगा, इतना ज्यादा टोल नहीं होगा। ये रोड थी, ब्रिज नहीं था, तो 50 चलो पुल भी आ ही गया आगे। यहाँ पे पुल नहीं होगा, सब टोल खत्म हो गया, नाल ही पुल आ गया यार। तो फिर भी मेरा लग रहा है किसी 100 से नीचे ही होगा। 100 करोने से 100 यूरो से करोने लगा लो, 5000 करोने लगा लो, नहीं 500 करोने नहीं होगा, 100 करोने। चलो देखते हैं यार। ये पिछली बार देखा मैंने, जनरली ये साइडों पे होता है ना, ये आर्क सा, ये बीच में है यार। इस रोड का टोल क्यों देंगे, क्या टूटी मतलब क्या ये नाम है, व्यू दिख रहा है वो उधर देखो यार, कितना बड़ा पोला। उसका बनता है टोल देना उस ब्रिज पे जाने का, ये इस पे जाने का तो नहीं बनता है, चलो देना ही पड़ेगा यार। वैसे एक उम्मीद ही किरण है कि रास्ते में लिखा था टोल कस्टम, तो मेरे ख्याल सिर्फ कस्टम चेक होगा, मेरे ख्याल से पैसे नहीं देने पड़ेंगे। बाकी आ रहा है बस 100 मीटर में सामने, बताते हैं आपको। ये था कस्टम का टोल खत्म, अच्छा वो उधर जाएंगे। ओ हमने कुछ नहीं करना, पैसे बच गए भाजी। तो पहली बार नॉर्वे का तेल सबसे महंगा। मेरे ख्याल से इसका रेट है डीजल का 20 करोना, और कितना होता है नॉर्वे करोना, मेरे ख्याल 7-8 रुपए ही है, 7-8 रुपए ही है, तो वही 20 यूरो, ओ सॉरी 2 यूरो 1 लीटर डीजल है। भाजी तैयार हो फिर टीके के लिए? तैयार 150 यूरो इतने अपनी टैंकी भरनी है, 150 अप्रोक्सीमेटली 150 160 यूरो। ओहो, सो मेन वाइल यू कैन डिवाइड इट बाय 3। लेकिन चलनी कितनी देर है वो? चलेगी 800 किलोमीटर, वो तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। चलो रोज का 25-30 यूरो का तेल डलवाना पड़ेगा। पर है किस्मत खराब थी, मैंने नॉर्वे का ट्रिप चूज कर लिया, मैं कहीं और जाता गया। चलो भाई सबसे सस्ता तरीका ये नॉर्वे करने का। साढ़े 83 लीटर 1700 1700 करोने
अपने बन गए इतना वजह मैथ नहीं है मेरा तो तेल डलवा लिया है तो मैंने करा कन्वर्जन 13,000 इंडियन रुपीस का तेल 83 लीटर तो ये 850 किलोमीटर चलेगा 2-3 दिन के लिए होगा ये ख़त्म हो जाएगा लेकिन 3 लोग हैं तो ठीक है काम तो नॉर्वे एंटर किया था लेकिन ऑस्लो नहीं आया था और मेरी आंख लग गई थी अभी मैं उठा तो ऑस्लो निकल चुका है कहाँ पे हम बाजी अभी जमीन पे लेकिन उसका मतलब यह है कि हम अच्छे अच्छे नजारे देखेंगे साइडों में तो हमें अभी जा रहे हैं नेशनल पार्क उस नेशनल पार्क में ट्रोल टुंगा करके जगह है काफ़ी मशहूर है नॉर्वे की तो चलिए देखते रहिए यार जो देखिए जो घर वगैरह हैं जैसे मतलब अगर आपने मेरे वो सीरीज देखी होगी रशिया वाली 2018 में जब हम गए थे तो काफ़ी ऊपर गए थे मुरमांस तक तो रास्ते में जो इलाके थे वो वहाँ पे वेजिटेशन और मतलब घर वगैरह भी ऐसे ही थे लैंडस्केप भी ऐसा ही था और मतलब वो रशिया है तो काफ़ी सस्ता था मतलब काफ़ी सस्ता है नॉर्वे से तो देखते हैं ऊपर जाके कुछ खास अलग चीज़ें हैं कि नहीं है नहीं तो बताऊंगा आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको ऐसे नज़ारे ही देखने तो मतलब नॉर्वे की जगह रशिया जा सकते हैं बाकी पता नहीं मतलब मे भी कुछ ज़्यादा सुंदर चीज़ें भी हों रशिया हाँ मतलब हाँ कोई इधर निकल नहीं इट्स वेरी सेफ रशिया मतलब अभी का पता नहीं मेरे को वॉर के कारण क्या क्या कंडीशन है बट जब मैं गया था तो मेरे को तो स्पेशल सिक्योरिटी मिली थी पुलिस की भी मुझे तो पुलिस फॉलो कर रही थी सारा टाइम तो सही है मतलब पेट्रोजा वो उसका रेलिया हो गया उसके ऊपर फिर थोड़ा चले जाओ तो तेरी बेर का मुरमांस्क काफ़ी सिमिलर है तो ये मैंने यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लिया नीचे झरना बनना देख के आया हमें पाजी कैसा लगा झरना आपको और हमारा डिनर बन रहा है चलते पिज्जा बनेगा तो पिज्जे खा लिए हमने चाय बनाने आ गए यहाँ पे लड़की छोड़ दो सही स्पॉट है काफी When you come to a place like this, you drink tea. What the hell? What the fuck is wrong with you? No, actually, what this the hell is wrong with you? So we're used to. Norway, we have beer. So we're used to this. Like this drink is like it's like caffeine. So because he has to drive, so he needs to. Yeah, but you don't have to drive. He doesn't have to drive. But then we have to give him company. And again, in Norway we have beer. So yeah, actually back home in India we think in Norway all the people are like Vikings they have abs but you don't have abs what the fuck are you meaning what the fuck are you meaning you fucking Indian man but he has you fucking Indian man you're fat we look like you have abs no abs beer no abs beer we live good in you Norway have been told it's a six pack of beers yes yeah. yes थोड़ा सा डोनट आया हमने और चाय वगैरह पी और तभी ना लोकल आ गए मतलब एक बंदा था उसकी गर्लफ्रेंड थी और गर्लफ्रेंड का भाई था शायद तो उन्होंने गप्पे पे मारी हमसे काफ़ी सही बंदे थे तो उन्होंने बताया कि हमें कि यू कैन पार्क यू कैन कैंप एनीवेयर बोले कि अगर ये मेरा घर भी है और अगर रास्ता आता है नदी को वहाँ पे तो आई कैन नॉट डिनाई एनीबॉडी कि कोई आगे वहाँ अगर बैठ जाए या नदी में जाने की कोशिश करे तो मैं उन्हें आई कॉन्ट डिनाई देम आई कॉन्ट स्टॉप देम तो इसलिए कैंपिंग हर जगह पर फ्री है नॉर्वे में गाड़ी देखना पड़ेगा हमें गाड़ी कहाँ पार्क कर सकते हैं कहाँ नहीं पार्क कर सकते लेकिन फिलहाल हमारी जो डेस्टिनेशन है वो काफ़ी दूर है 2 घंटे और है शायद तो अभी शुरू करते हैं अभी शायद टाइम हो चुका है 7:30 तो शायद 9:30-10 बजे तक पहुँचेंगे तो चलिए शुरू करते हैं
ये वन भी होगा ना अगर उधर से आ रहा है तो। तो घूमते फिरते यार हम यहाँ पहुंचे यहाँ पे, मतलब ऐसे वहाँ पे टॉयलेट्स हैं और ऐसे बैठने की जगह, और यहाँ पे किसी ने अपने शहद रखे हुए हैं और उसने बोला है कि भाई 10 यूरो का है एक डब्बा और आप पेपैल कर सकते हो ये वाली ईमेल एड्रेस पे। यहाँ कोई भी नहीं है, मतलब आप चाहें तो आराम से उठा के ले जाएं, लेकिन ये देखिए मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि क्योंकि वो इतने ईमानदार है तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी लोग भी इतने ईमानदार होंगे। देखो देखो वीडियो बनाने के लिए गए थे वहां पे, छोड़ दिया अपना फोन तो मेरा ध्यान पै गया मड़े में जगदा की है। ਪਾਜੀ ਵੀਡੀਓ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ, ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਓਕੇ 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 अभी टाइम हो रहा है रात के 10:15। रात के ठीक है, रात को अंधेरा होता है भाई। हाँ यही तो, तभी जितना हम आगे जाएंगे जितना ऊपर जाते जाएंगे उस उतना उतना ही मतलब ऐसी बीच में जगह आएंगी जब मिडनाइट सन होगा कि 12 बजे भी मिडनाइट को भी सूरज होगा। तो पाजी कितना सफर है गया हमारा आगे भाई? ये देखो जी, एग्जैक्टली आप देखो 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट और फिर हम पहुंचेंगे नेशनल पार्क में। मतलब जैसे देखिए वो आगे भी कैंपर वैन जा रही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कल्चर है, लोग बहुत ज्यादा, हमने बहुत देखी है कैंपर वैन और ये सब चीजें, तो कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा हमें कहीं पार्क करने का। और बाकी हमने पूछ भी लिया है कि कहीं भी पार्क करना अलाउड है, कोई सीन नहीं है, बाकी बेहद बेहद खूबसूरत है। अभी मेरे ख्याल से आपको दिख नहीं रहा होगा, तो सनसेट तो दिख रहा होगा लेकिन ये इधर बर्फ पड़ी हुई है ऊपर चोटियों पे। लोग मिल गए अफगानिस्तान के, तो पाजी पश्तो बोलते हैं, तो वो उनसे पश्तो में बात कर रहे हैं। ਅਜੀ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਹੈਗਾ ਹੈਗਾ ਕੈਂਪ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। यार अभी हम यहाँ रुके थे रास्ते में ना, हमने ये चर्च देखी पीछे, तो वही ड्रोन वाला मेरा कीड़ा, और हम जैसे उतरे ना बाहर तो यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी और एकदम से लाइटें ऑन करी उन्होंने। मैंने कहा लगा ये बोलेंगे कि क्या कर रहे हो तुम, ये ना जैसे मतलब यूरोपियंस कुछ काफ़ी लोग करते हैं स्पेशली जर्मन्स तो लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि हमें दिन में भी एक बंदा मतलब कपल मिला, उसके बाद कुछ और लोग मिले, और यहाँ पे भी तो काफ़ी काफ़ी फ्रेंडली है। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि यूरोपियन इतने फ्रेंडली होंगे कभी, मतलब ऐसे होता है ना सोचते हैं कि ठंडे इलाके हैं डिप्रेस रहते हैं ये प्लान, ये काफ़ी खुश थे ना, ये आंटी भी काफ़ी खुश थी, काफ़ी सही तरीके से बात करी उसने, और हमने यहाँ पे अभी उड़ाए ड्रोन, अच्छे अच्छे शॉट्स लिए। तो यार रात के बज चुके हैं 1 और अब पहुँचे हम कहीं पर, और बहुत ही सुंदर जगह लग रही है ये,
सुबह मजा आएगा असली तो। यहाँ पे नदी है और यहाँ पे हमें एक स्पॉट मिल गया वहाँ पे आग जलाने के लिए, तो बहुत मजा आने वाले हैं। रात को खाना खाएंगे अभी यहाँ पे जला के आग, और सुबह तो मतलब मजे आ जाएंगे। सही है डॉक्टर। तो हमारा खाना पैक हो गया था स्वीडन से ही, विकी पाजी ने कराया था पैक हमारा खाना, तो नान, फ्रोजन चिकन सब कुछ। और हमारी बॉनफायर होगी है, पता नहीं भाई जो भी था फरिश्ता जिसने रखा था सब बंदा सामान भाई, लकड़ी और घास फूस सब कुछ था, मतलब अंदर एवरीथिंग, मतलब तैयार करके। हाँ मतलब कोई तो फरिश्ता ही था है। और क्या मजेदार लोग भाई, स्कोल सलूद, चीयर्स, चाक लो, चीयर्स।